भाई 57 रुपये की राइड आ गई ऊबर में, और भाई यहाँ पर पुलिस वाले घूम रहे हैं। पर कस्टमर प्लीज कम। अबे यार गाड़ी में रोको क्या भाई? ओटीपी रशियन लग रही मेरे को भाई। भाई ये 26 किलोमीटर का पैकेज डिलीवरी आ रही थी, जिसके मुझे 26 किलोमीटर के 291 रुपये मिल रहे थे नोएडा की थी। मेरे पास में मौत के मुंह में की राइड आ रही थी भाई, ये देखो 239 रुपये की राइड, और ये देखो कहाँ की आ रही थी, सिविल लाइन। 315 रुपये में 37 किलोमीटर भेज रहा था मेरे को ये दिल्ली के किसी गाँव में। वीडियो, मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 5 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं मेरे चैनल पर आपको वीडियो देखने को नहीं मिल रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा डरा हुआ था बाइक टैक्सी चालान को लेकर। 4 दिन हो गए, 4-5 दिन मैं सोचा कब तक डरेगा बेटा, डर के आगे जीते, निकल बेटा काम करने, जो होगा फील्ड में देखा जाएगा। तो भाई मैं जा रहा हूँ फील्ड में काम करने, और भाई साहब मैं रैपिडो का जो रेट कार्ड था मेरा 9 रुपये किलोमीटर फिक्स, रैपिडो ने शायद मेरी वीडियो देख ली तो मेरा रेट कार्ड रिमूव कर दिया वो वाला, और नॉर्मल रेट कार्ड कर दिया, और मैंने रैपिडो की लात मार दी, मैंने रैपिडो को डिलीट कर दिया अपनी ऐसी की तैसी में जा। तो भाई अभी मैं करूँगा सिर्फ ऊबर, ओला हमने पहले डिलीट कर दिया था, तो ओनली ऊबर ऊबर है, क्योंकि मैं टाइम ऐसे टाइम पे निकल रहा हूँ, तो अभी शाम का टाइम है, तो इसलिए ऊबर ऊबर करूंगा, कल से पोटर करूंगा। आज चलते हैं फटाफट फील्ड में और देखेंगे कैसी अर्निंग होगी। मौसम एकदम मस्त है सुहावना। आप सभी को पता ही होगा, मैं जैसा मेरा मोबाइल होता था यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलते थे मेरे काम करने वाले ऐप यहाँ पर। अभी आप देखोगे तो ऐप मेरे सारे हो चुके हैं गायब। कहाँ गए? या बोर्जो पड़ा है साला, डिलीट मार, पटवाएगा मैं, पकड़वाएगा साला हमें। तो अब मेरे पास कोई ऐप नहीं है, तो बोलोगे काम कैसे करेंगे, पबजी में काम करूँगा भाई। नहीं भाई, यहाँ घुस जाते हैं और यहाँ, अरे इसे भी डिलीट कर, इसने भी दिमाग ख़राब किया मेरा, रेट कम कर दिया। ये भाई ऊबर, तो भाई ये खुल चुका है अपना ऊबर, और ये क्या हमने गो ऑनलाइन, और ये कह रहा बेटा फ़ोटो दे अपनी, तो इसे फ़ोटो दे दो भाई। तो फोटो भाई मैंने इसको दे दी है, और आईडी हो चुकी है ऑनलाइन, और इंसेंटिव देखो तो भाई कुछ नहीं चल रहा है, चल रहा है भाई, चल रहा है 12 ट्रिप पे 100 रुपये है, तो 12 तो करके आऊँगा भाई, 100 रुपये तो लेके आऊँगा। बाकी आप ये पूछते हो कि भाई ये क्या है, भाई ये जितने ज़्यादा आपके पास में होंगे उतने ज़्यादा राइडें आपके पास में आएंगी, मतलब आपका मेडल है ये, तो भाई अपना मेडल बढ़ाओ और राइडें ज़्यादा पाओ और अपना चालान ज़्यादा से ज़्यादा कटवाओ। क्या बोला तूने? ये देखो डायमंड पे पहुँच जाऊँगा भाई अब मैं, कल से करूँगा पोर्टर, फिलहाल खोल लिया हमने ऊबर, वेट करते हैं पहली राइड का। भाई 5:38 हो गए, अभी तक तो कोई राइड आई नहीं, तो मैंने सोचा भाई निकल लिया जाए। भाई 40 मिनट से भी ज़्यादा हो गए मुझे घर पे ही लॉगिन। पहले क्या होता था भाई, राइडें आ जाती थी ऊबर के अंदर, अब भाई राइडें भी नहीं है यार, और फिर क्या ही फ़ायदा बाइक टैक्सी का, फिर भी यार लोग परेशान है कि बाइक टैक्सी को लेकर चालान, भाई पता नहीं भाई काम ही नहीं है बाइक टैक्सी में तो बंदा यार, अब चालान पालान क्या भाई। मैं मेरे हिसाब से बताऊँ ना तो भाई ये सही भी हो रहा है भाई, बाइक टैक्सी बैन, देखो बाइक टैक्सी में तो वैसे बंदे की ज़िंदगी ख़राब है, जो भी नए नए बंदे आते हैं भाई, जब ऑप्शन होगा नहीं बाइक टैक्सी का तो कोई इसमें आएगा नहीं, तो मैं तो कहता हूँ भाई ये सही है, बैन हो जाएगा तभी बंदे कुछ ना कुछ करेंगे, और मैं भी भाई अपना कुछ ना कुछ और बिजनेस करूँगा, तो ये सही भी है भाई, इससे लाइफ झंड हो रखी है ना, घर वालों को टाइम दे पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, तो ये सही भी है भाई। बाकी यही है कि कुछ लोग भाई लाखों बंदे कर रहे हैं, फिर भी रोज़गार भी चला जाएगा, पर धीरे धीरे भाई बंदों को इस लाइन से हटना ही चाहिए। अभी देखते हैं भाई, 42 मिनट तो हो गए, देखते कितनी देर में राइड आएगी। मैं अब जा रहा हूँ देवली साइड, क्या पता वहाँ से कुछ ना कुछ मिले। तो भाई पहली राइड आ गई अपने पास में 44 रुपये की, 900 मीटर से पिकअप है, 4.3 किलोमीटर का ड्रॉप है, साकेत मेट्रो का ड्रॉप है, और साकेत मेट्रो पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो देखेंगे क्या सीन होने वाला है। फिलहाल कस्टमर को चलते हैं पिकअप करने, और फिर लेकर चलेंगे भाई ड्रॉप करने। 2507 बैठो। तो भाई ले तो लिया है, अब चलते हैं, नहीं तुमसे कुछ नहीं कह रहा मैं। तो भाई चल रहे ड्रॉप करने फटाफट, मेट्रो पे लेके जाना है, और मेट्रो का रिक्शा आप देखना भाई क्या सीन होगा। बाकी अब तुम देखना, ये जैसे आपके सामने फ़ोन है, अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे कहाँ गया, गायब हो गया, ये ऊबर का ऐप, ये देखो यहाँ पर शो कर रहा है, पर यहाँ पर देखो पकड़े जाओगे, अगर तुम्हें रोक लिया तो सडनली दिख जाएगा ये ऐप, तो आपको मिनिमाइज़ करना है और इसको हटा देना यहाँ से। अब ये देखो नहीं दिख रहा है, और अब इसको कर दो बंद। ओके भाई ये पहुँच गया हूँ मेट्रो, और
अभी मैं ना यहीं पे साइड में रोक लूँगा एक बस। हेलो भैया, ज़्यादा आगे जाओगे मत। ओके डन। ये लो भाई, कंप्लीट हो गई राइड, पहली राइड सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी मेरी नज़रें चील की निगाहें हैं, मैं 100-200 मीटर तक दूर तक देख लेता हूँ कि भाई कहीं खतरा तो नहीं है। फिलहाल यहाँ खड़ा होना भी एक खतरा है, कुछ पता नहीं है, तो मैं गली में घुस के बैठता हूँ, बाहर रोड पे बैठ ही नहीं रहा। ये यहाँ से हो गया मैं अंदर, और गली में जाके बैठूँगा चुपके से, क्योंकि जब बजनी होगी तो कहीं से भी ऊबर बजा देगा, राइड आ जाएगी। ये भाई देखो, मैं निकल गया हूँ अंदर गलियों में, इधर अंदर जाके बैठूँगा। 57 रुपये की राइड आ गई ऊबर में, और भाई यहाँ पर पुलिस वाले घूम रहे हैं, और कस्टमर ना मेरे को ही ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये काफ़ी दूर से मेरे पास में आ गए और मेरी हवा ले रही है भाई आगे जाते हुए, क्योंकि वहाँ पर भाई पुलिस वाले खड़े हैं। ले लूँ रिक्स, भाग जाऊँगा, रुकूँगा नहीं, बहुत तेज़ी में जाऊँगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रही है कि ये ना फॉरेनर हैं, आई थिंक फॉरेनर हैं भाई, क्योंकि इनकी ट्रांसलेट होके आ रही है ऊबर। प्लीज़ कम। अबे यार, गाड़ी में रोकोगे क्या भाई? OTP 2940। बैठो, रशियन लग रही मेरे को भाई। अच्छा चलो भाई आगे देखो, कोई नहीं है। अब एक बार रूट देख लो, ये किधर से दिखा रहा है, इग्नोर रोड से दिखा रहा है या फिर बाहर से दिखा रहा है? भाई बाहर से दिखा रहा है, ये छतरपुर की साइड से। तो चलो कोई नहीं भाई, छतरपुर की साइड से चलते हैं और कंप्लीट करते हैं इस राइड को। भाई ये मैसेज ना मेरे पास में सारे ट्रांसलेट होके आ रहे थे ऊबर में, तो मेरे को लगा ही कि भाई फॉरेनर हैं पक्का। चलते हैं भाई, ड्रॉप करते हैं। लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, ये लो भाई पहुंच गए लोकेशन पर। कंप्लीट करते हैं 53। Where are you from, ma'am? Republic of Belarus. समझ से बाहर है। ओके थैंक यू, कंप्लीट हो चुकी है राइड। भाई तुम्हें कंट्री का नाम समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, मुझे तो समझ में नहीं आया। मुझे तो लग, अबे मेरी ट्रिप को क्यों ऑफ कर दिया इसने भाई? ये पैसे डालो इधर छिल्लर। चलो भाई 55 रुपये मिले इसके, और हमारी अर्निंग हो गई कितने की? 97 रुपये की। वेट करते हैं भाई, चलते हैं बाहर और न्यू राइड आने का। मैदान गढ़ी से जाएगा कोई ना कोई तो जाएगा। अरे यार जाएगा तो बाद में, पहले तो ये ट्रिप ऑफ हो गई, इसे ऑनलाइन करता हूँ, जरा थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन करता हूँ। ट्रिप पोज हो गई, वो मिनिमाइज़ करके चला रहा हूँ ना ऐप को, तो उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि रनिंग में ऐप रख नहीं रहा हूँ मैं, उसकी वजह से ट्रिप पोज हो गई। रुक जा, खुल जा मेरी ट्रिप। भाई आधा घंटा बैठ कर यहीं पर बर्बाद कर लिया भाई, कोई राइड नहीं आई, एक राइड आई मेरे पास में 27 रुपये की। मैंने बोला इतने बुरे भी दिन नहीं आ गए कि मैं 20-25 रुपये 27 रुपये में काम करूँगा, मिनिमम 50 तो हो यार। चलो भाई आसपास की दिख रही है, सही है रूट, जगह, टाइम नहीं लग रहा, जाम नहीं लग रहा, तो 35-40 की भी कर लो, पर ये थोड़ी ना यार 27-23-22 रुपये की राइड करेंगे हम। हाँ यार निकल रहा हूँ अभी, फिर इधर फ्रीडम फाइटर की तरफ, उधर से कोई ना कोई जाएगा तो मिलेगी राइड। फिलहाल यहाँ से तो खाली टाइम बर्बाद हो गया बैठ कर यहाँ पर। ये 26 किलोमीटर का पैकेज डिलीवरी आ रही थी, जिसके मुझे 26 किलोमीटर के 291 रुपये मिल रहे थे, नोएडा की थी। मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं नोएडा जाएंगे, खाली आना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, 26 जाऊंगा 50 किलोमीटर हो जाएगा, 52 किलोमीटर। खैर मैं 50 उस हिसाब से बता रहा था कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना मैं यहीं आऊँगा, बीच में भी रुक सकता हूँ। बाकी फिर अभी मेरे पास में मौत के मुँह में की राइड आ रही थी भाई, ये देखो 239 रुपये की राइड, और ये देखो कहाँ की आ रही थी, सिविल लाइन। अबे भाई सबसे ज़्यादा चलानी तो यहीं हो रहा है, और ये मुझे सीधा मौत के मुँह में ले जा रहा है। बेटा 8000 अपनी बाइक सीज करवाया चलाना, मैं भैया सबसे, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, सबसे ज़्यादा चालानी यही कट रहे हैं। छोटी राइड क्यों नहीं आ रही भाई? एक भी भाई, अब यहाँ से भी निकल रहा हूँ, पता टोटल मुझे 1 घंटा हो गया ऐसे भटकते भटकते, कुछ नहीं मिले भाई यार। ये 50 वाली
अभी मैं इग्नो रोड पे हूँ, तो इग्नो रोड से कोई साकेत नहीं जाएगा, कोई मालवीय नगर नहीं जाएगा, कोई GK2 हौज खास लाजपत नगर कहीं नहीं जाएगा, कोई जाने वाला है ही नहीं है। इतने सारे लोग हैं, कहाँ चले गए सारे के सारे जो बाइक टैक्सी बुक नहीं कर रहे हैं ये उबर में, ये इसमें ये जानबूझ के परेशान कर रहा है उबर। छोटी राइड है ईवी वालों को दे रहा होगा, और बड़ी बड़ी जो है जिसको कोई नहीं दे रहा वो मेरे पास दे रहा है। मेरे को ऐसे ही लग रहा है भाई, मेरे को पक्का लोचा लग रहा है कंपनी पर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ कोई भी राइड मिले छोटी भाई मैं करूँगा, पर भाई ये देखो 315 रुपये में 37 किलोमीटर भेज रहा था मेरे को ये दिल्ली के किसी गाँव में जहाँ मैं पहले था, वही देखो क्योंकि पिन कोड दिल्ली का ही है। अब मेरे को ऊबर पे 100% कन्फर्म हो गया कि ये भाई ये गेम खेल रहा है। ये ऊबर में जो भी छोटी राइड हैं ऊबर जानबूझ के भाई ये दे ही नहीं रहा है पेट्रोल वाले बाइकरों को कि भाई, ताकि ये खुद परेशान होकर ऊबर ना करें। और ये छोटी छोटी राइडें जो भी होंगी भाई ये दे रहा होगा अपने जिप वाले राइडर को या ईवी राइडर को, ये खुद चाह रहा है कि भाई राइडर खुद छोड़ के भाग जाए ऊबर को। भाई खुद बताओ यार कि मैं यार ये 8:30 बज गए मेरे को लगभग, भाई देखो अगर मुझे काम करना नहीं होता ना तो मैं कब का भाग गया होता। अभी मैंने 85 रुपये की राइड ली है वसंत कुंज की, अब वसंत कुंज दूर है पर मैं भाई काम करने के लिए तो बैठा था यहाँ पर कि भाई कुछ तो मिले यहाँ से, अपने भाई लोकल में काम करना है मुझे, तो अब मिली है तो भाई मैंने एक्सेप्ट कर ली 85 रुपये की, जा रहा हूँ पिकअप करने, फिर वसंत कुंज में देखूंगा क्या सीन होगा। हाँ अब इन्होंने पहचान लिया, देखो पोटर वो है, वो पोटर भी चलाता हूँ ना, पहचान लिया पर बोल नहीं रहे हैं। ये उसी का वो है, ये दीवाना है इन चीजों का। अच्छा OTP बताइए। 06 91 बैठो। कैमरे कहाँ मिलते हैं? ये मिल जाते हैं कैमरे मार्केट में मिल जाते हैं। वहाँ डेस्क कैम मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा इतने बैठे मैं भी निकल जाता भाई साहब। ये राइड कितने किलोमीटर की है अभी दिखाता हूँ मैं आपको, 9 किलोमीटर की 30 मिनट में 85 रुपये मिलेंगे भाई। 9.2 किलोमीटर दिखा रहा भाई, 30 मिनट लगेंगे, बाप रे इतने टाइम में तो पोर्टर में भाई साहब 150-200 रुपये का काम हो जाता है, क्या करें मजबूरी है करना पड़ेगा। चलते हैं भाई ड्रॉप करते हैं, मैं आराम से चलूँगा, कोई वॉलेट से है क्या शायद एक बार चेक कर लेना, मैं कंप्लीट करता हूँ इसको। वॉलेट से दिखा रहा शायद एक बार चेक कर लेना, कभी इशू हो जाता है ना नेटवर्क इशू, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं नहीं ऑनलाइन है, एडजस्ट हो गया। हाँ क्योंकि कैश कलेक्ट नहीं दिखा रहा ना, बाकी में दिखा रहा है इसमें, ये हो गया आपके वॉलेट से। वेलकम, मैं सोच रहा भाई कि यार वॉलेट में तो मेरे पैसे आए नहीं, तो भाई वॉलेट में भाई कमीशन में माइनस हो गए। मैं कह रहा यार ये क्या हुआ, ये लो भाई जो कमाया उबर ने रख लिया हमारा पैसा, तो हमने ये कमाया घंटा, बैठो भाई यहीं पे और क्या करना है, इंतज़ार करो राइड आने का। भाई अभी तक की अर्निंग 179 और घंटे हो चुके हैं हमें 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे में बताओ 179 का काम हुआ है, ओनली 179 भाई ऊबर के अंदर। अब राइड आई है, ऐसी ऐसी राइड अगर साउथ दिल्ली की मिले जाए ना भाई तो अच्छा काम हो जाएगा। भाई राइड आई है 175 रुपये की मेरे पास में, जामिया नगर लेके जाना है, शायद वही है जामिया नगर शाहीन बाग की राइड है ये, और ये वसंत कुंज से है। 20 किलोमीटर दिखा रहा था, पता नहीं किस हिसाब से 20 किलोमीटर दिखा रहा था, बाकी में 20 किलोमीटर है या नहीं। फिलहाल हम जा रहे हैं पिकअप करने, दिल मेरा गार्डन गार्डन है कि जितने मैंने अभी तक कमाए उतने की एक सिंगल ही राइड आ गई मेरे पास में, तो चलते हैं भाई पिकअप करने। भाई साहब मेरे को लग रहा है ये भाई साहब जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल देखो मेरे पास में आ गया है, तो इनके मोबाइल को ट्रेस कर रहा है, फोटो कर रहा हूँ ऊपर। हाँ वैसे तो कुछ नहीं है इसमें, हेलमेट के लिए रखता हूँ मैं, मेरे पास 7455 ये तो बाइक नंबर है। अरे यार 4097 भाई अब डिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ कितने किलोमीटर दिखा रहा है, ये देखो भाई बस। हाँ जी कहाँ जाते हो, मेरा नाम आफ्ताब है,
जी 20 किलोमीटर दिखा रहा है, 48 मिनट लगेंगे भाई। करते हैं फटाफट इस राइड को कंप्लीट। मच्छर आ गया मामा, पहुँच गया भाई हम अपनी ड्रॉप लोकेशन पर। यहीं पर रोकना है, ये लो जी। हेलो, ये देखो भाई यहाँ हो गए, ये तुम्हारे हो गए 170 और यहाँ पर हो गए पूरे 180। 180 रुपये में से हमें 4 रुपये लौटाने थे, हमने कस्टमर ने भाई साहब 4 रुपये भी नहीं छोड़े, 5 रुपये ले लिए बल्कि। और पता 500 मीटर अंदर लेकर आए हैं, शर्म नहीं आती भाई लोगों को। अब ये देखो रेटिंग मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 0। एक रेटिंग दी है मैंने भाई, गेट पे बिल्कुल गेट तक लेके आ जाएंगे, थोड़ा सा अंदर करके, और भाई 2-4 रुपये छोड़ने की भी हिम्मत नहीं होती इनकी। जबकि भाई वो तो हमारी मेहनत का पैसा है, उतने भी नहीं दे रहे हो आप, फिर भी भाई ऐसे करते हैं यार लोग। छोड़ो कैर क्या करना है, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब निकाल देगा इधर उधर से, पूरे कर देगा, बीमारियों में लग जाएंगे पैसे। अगर कोई आदमी किसी गरीब का हक मारेगा तो, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ किसी, ये सीरियस बात है भाई कि अगर हम किसी का पैसा मारते हैं ना तो वो बीमारियों में निकलता है। चलते हैं भाई बाहर, वेट करते हैं कुछ मिले तो यहाँ से। बाकी अर्निंग की बात करो भाई, जितनी अर्निंग मेरी उतने में हुई थी ना, जितनी अर्निंग मेरी 4 घंटे में हुई थी उतनी मेरी अर्निंग 1 घंटे में हो गई भाई। ओवर में 347 रुपये काम हो चुका है मेरा अभी तक, 350 मानो चलो। बाकी वेट करते हैं यहाँ पर खड़े होकर। अब भाई तुम देख सकते हो बाइक टैक्सी का हाल, यहाँ पर 5 घंटे के अंदर 4 राइडें लगी हैं, सिर्फ 5 घंटे के अंदर 4। मतलब कि बिल्कुल भी बाइक टैक्सी में ऐसा काम नहीं है जिसके लिए बंदे रो रहे हैं कि बैन हो रही। अरे भाई कल की होती आज हो जाओ, हम तो बेकार ही है भाई, ये बैन हो जाएगी तो साला कहीं ना कहीं तो काम बढ़ेगा, किसी ना किसी में तो बढ़ेगा। ये बैन ही हो जाए ना, मैं तो चाहता हूँ हो जाए साली बैन, अरे कोई फ़ायदा ही नहीं है, खाली नाम के लिए चल रही है ये, कर दो बैन आज करनी है, सब बंद कर दो बिल्कुल, ऐप ही डिलीट करवा दो ऊपर से, सब बंद करो साला, दिमाग खराब। कंट्रोल कंट्रोल, एक तो साला काम नहीं, ऊपर से भाई टेक्निकल इशू हो रहा है ऊबर के अंदर, कह रहा भाई अभी थोड़ी देर बाद आना, अब कितनी थोड़ी देर कुछ नहीं पता भाई, मैं निकल रहा हूँ घर के रास्ते और भाई हो सकता है पूरी रात ठीक ना हो, मैं किसके भरोसे बैठा रहा हूँ यहाँ, ऊबर के भरोसे ही आया था काम करने, ऊबर में ये टेक्निकल इशू आ गया है भाई, ये अपने पता नहीं क्या क्या गणित लगा रहा है, भाई खुल जाए सहले। हाँ यार मैं सोचा 400 तो हो जाए कम से कम काम, अटक गया, चल ही नहीं रहा है, घर निकल रहा हूँ भाई। एक रूट दिखा रहा था 12 किलोमीटर, एक 13, मैं भाई 13 वाले से जा रहा हूँ भाई, लगता है किस्मत हमारे साथ मजे ले रही है। मैंने गो होम लगा रखा था, मैंने बोला भाई ये पैसे पूरे हो जाए 400 रुपये, तो भाई 30 रुपये की राइड आ गई, मैं खुश हो गया भाई, चलो मैंने कहा 400 पूरे हो जाएंगे। सही से पढ़ा मैंने तो उसमें पिकअप 1.3 किलोमीटर था शायद, 1.3 या हाँ 1.3 किलोमीटर, और ड्रॉप 0 मीटर। मैंने बोला हाँ तेरी ऐसी की तेजी, मतलब बंदे मजे भी ले रहे, तो वो राइड मेरे पास में आ रही है, मतलब 0 मीटर का ड्रॉप थोड़ी ना होगा, बंदा खड़े खड़े थोड़ी ना उतरेगा, मतलब यार कैसे मजे ले रही है ऊबर यार मेरे साथ में। बैन करो बाइक टैक्सी को साली को, अब बंद करो साल में, मैं नहीं चाहता कोई बाइक टैक्सी चलाए, बंद करो साल बाइक टैक्सी। ये भगवान क्या जुलूम है। 11:10, ये 10:11 नहीं, तो दोस्तों घर आ चुका हूँ मैं। आज मैंने बाइक टैक्सी इसलिए किया क्योंकि मुझे आप सभी को दिखाना था कि बाइक टैक्सी में इस टाइम पर कैसा काम है। नाम को तो बाइक टैक्सी में चलान हो रहे हैं, ये क्या क्या चीजें सुनने में आ रही है, पर भाई क्या फायदा है ऐसी बाइक टैक्सी का जिसमें काम ही ना हो। एक तो काम ही नहीं है, बोल रहे सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, अगर सारे लोग घर पर बैठे हुए हैं तो फिर राइडें क्यों नहीं आ रही हैं। मैं इसलिए ही फील्ड में निकला था कि भाई देखूंगा मार्केट में, अगर भाई बाइक टैक्सी को लेकर सब डरे हुए हैं तो भाई
मैं अगर फील्ड में जाऊंगा तो भाई मेरे पास ज्यादा राइडे आएंगी और अर्निंग अच्छी होगी और मैं आप सभी को दिखा पाऊंगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, लोग सिर्फ आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। काम सब कर रहे हैं, कोई घर नहीं बैठा है, बस एक दूसरे को डरा रहे हैं। ये एक नया गेम खेल रहे राइडर, जिनका काम नहीं हो पाता उन्होंने ये नई स्ट्रेटेजी अपनाई है कि भाई दूसरों को डराओ और खुद काम करो। तो भाई वो आपको तो डरा रहे हैं ग्रुप में मैसेज भेजकर, ये कर चालान की फोटोज भेजकर, पर वो खुद काम कर रहे हैं। तो ऐसा मार्केट में हो रहा है और कुछ ग्रुप्स में मेरे बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। सभी को जवाब दूंगा, सारे के डाउट्स क्लियर करूंगा। बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई आफ्ताब भाई की वीडियोस देख देख कर भाई साहब ये चालान होने लगे हैं, बाइक टैक्सी वालों को देखकर, ये भाई आफ्ताब भाई की वीडियो देखकर ऑटो कार वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं या भाई ये बैन करा रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं उन अनएजुकेटेड लोगों को कि मैं बाइक टैक्सी नहीं करता हूं। मैं जो 2,000, 3,000, 4,000, 10, 20, 50 लाख रुपए भी अगर कमाकर दिखा रहा हूं तो वो दिखा रहा हूं पार्सल डिलीवरी में। पार्सल डिलीवरी का बाइक टैक्सी, कार टैक्सी और भाई सब ऑटो वालों से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं दिन के 3,000 कमाकर भी रेगुलर वीडियो डाल रहा हूं, 2,000 कमाकर भी डाल रहा हूं, तो उससे कार ऑटो वालों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑटो वाले और कार वाले सिर्फ पैसेंजर वाली चीजों पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, पार्सल पर नहीं उठा सकते, क्योंकि ऑटो और कैब वालों को पार्सल ले जाना अलाउ नहीं है। पार्सल ले जाने के लिए भाई साहब जो हमारे इको ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, छोटा हाथी और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो ऑब्जेक्शन उठा सकती हैं, पर वो भी क्यों उठाएंगे कि इतने से सामान के लिए कोई इको क्यों बुक करेगा। जो बड़ा सामान होता है उसके लिए इको बुक होती है। तो मैं आप सभी से ये क्लियर कर दूं, मेरा बाइक टैक्सी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बाइक टैक्सी से कोई मतलब ही नहीं है कि भाई इस पे चालान कट रहे क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी बात रही सपोर्ट की, मैं बाइक टैक्सी जो भाई जिसपे चालान हो रहा है मैं उनके सपोर्ट में हूँ बिल्कुल, कि भाई आप आवाज उठाओ जितना हो सकता है, हमसे हम भी करेंगे। वैसे आप सभी को ज्यादातर आप मेरे चैनल पर देखते होंगे, सभी के कमेंट्स भी आते हैं। पोटर किंग बोलते हैं भाई मैं ज्यादातर काम ही पोटर में करता हूं और मुझे पोटर ही अच्छा लगता है, बाइक टैक्सी बहुत कभी कभी अपने मन को बदलने के लिए या भाई काम देखने के लिए कभी कभी बाइक टैक्सी करता हूं, अदरवाइज मैं बाइक टैक्सी नहीं करता हूं। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, अगर मैं उनको बुरा भला बोलूंगा तो भाई गधे और इंसान में क्या फर्क रह जाएगा। तो भाई मैं उनकी तरह गधा नहीं बनना चाहता हूं। जो भी है ठीक है, अपने हिसाब से आप करो, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, आपकी बात है आप रखो। पर मुझे आप सभी से ये क्लियर करना था कि मेरा बाइक टैक्सी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे बाइक टैक्सी वालों की सपोर्ट में हूं कि भाई अगर आप ऑब्जेक्शन उठाते हो या आप भाई कहीं पे प्रोटेस्ट करते हो या कहीं पे रैली करते हो, वहां पर आप मुझे इनवाइट करोगे तो मैं जरूर आऊंगा और आपके लिए वहां पर आवाज उठाऊंगा। खाली मेरे वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है कि मैं वीडियो में क्या बोलूंगा। क्या मैं यहां पर वीडियो में अगर बोल देता हूं भाई बाइक टैक्सी बैन कर दो, सबको घर से भगा दो, क्या मेरे कहने पर गवर्नमेंट चलेगी? क्या मेरे कहने पर भाई अगर मैं बोल दूं कि सभी बाइक टैक्सियों का रेट 15-20 रुपए किलोमीटर कर दिया जाए या भाई बाइक टैक्सी वालों को 1-1 लाख रुपया दे दिया जाए, अगर ऐसा अगर मेरी बात गवर्नमेंट सुनेगी या भाई सब कुछ अगर मेरी बात सुनेंगे तो मैं तो ऐसे ही बोल दूंगा भाई कि सबको 10-10 लाख रुपए दे दो, घर बैठ जाएंगे राइडर, काम ही मत करो। तो ये सिर्फ आपके दिमाग का बहम है, ये पागलपन है आपका जो ये सोच रहे हो कि भाई मेरी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बाइक टैक्सी करता नहीं हूं। कल से वीडियो फिर पोर्टल पे मिलेंगी, बस ये एक बाइक टैक्सी पर बनानी थी और आप सभी को समझाना था। अपना प्यार बनाए रखो भाई। अगर मैं अपनी वीडियो में लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता हूं, नए नए अपडेट देता हूं, कुछ लोगों का कंटेंट ही बाइक टैक्सी पर है, वो कंट्रोवर्सी करे जाते हैं, तो भाई मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी की वीडियो नहीं देखता हूं, बस मेरे पे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो फैन हैं, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं भाई कमेंट्स के, और भाई सब जो ग्रुप में चर्चा चल रही थी वो दिखाते हैं कि भाई आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, आप बोलो, आपको अधिकार है। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जो मेरे फैंस हैं उनको भी दिल से शुक्रिया, जो मेरे हेटर्स हैं उनको भी दिल से शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना।